नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आशा करता हूँ 2018 जो कि पिछले सप्ताह शुरू हुआ है, आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छे से चल रहा होगा। 2018 जैसे कि नंबर 2 से गवर्न है, और इस साल 2 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, उसका बाहुल्य हर राशि के ऊपर उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। 2 नंबर मून हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि हमें अपने दिल से सोच के क्या करना है। कलात्मक हमें मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, मोर टुवर्ड्स कलाकारी की तरफ प्रमोट करता है। तो ये जो नंबर 2 है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो बाकी डिफरेंट राशि पे इस साल पड़ेंगे, उनके लिए डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए, उनका क्या इम्पैक्ट आके आपका अगला सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है उस पर क्या प्रभाव होगा, उसको प्रभाव को अगर नेगेटिव है तो किस तरीके से हम ये उपाय फॉलो करते हुए उनको पॉजिटिव बना सकते हैं, इनके बारे में इस सप्ताह बात करेंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पांचमुख रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं। व्यापारी वर्ग को कारोबार में इजाफा होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी प्रमोशन या आय में वृद्धि के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन के लिए सप्ताह शानदार रहने वाला है। पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की दरकार करनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। संतान का स्वास्थ्य गिर सकता है। आपको अपनी और अपने संतान की सेहत का ध्यान रखना है। आपका मन धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में लगेगा। तो देखा जाए सप्ताह के एवरेज, सप्ताह सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते से कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगाकर आशीष लेना शुभकारी व कल्याणकारी साबित होगा। भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला चंदन लगाएं, ये भी आपके लिए मस्ट है। गुरुवार के दिन उपवास रखना अच्छा रहेगा। केले के पेड़ में जड़ में जल चढ़ाएं और केला खाने से परहेज करें। बृहस्पतिवार के दिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गले के अंदर भारंगी की जल को धारण करना शुभकारी रहेगा। घी आलू कपूर का मंदिर में दान करें। साधु और पंडितों को वस्त्रों का दान करें। शराब से परहेज करें। धार्मिक स्थल पर बादाम का दान करें। सोने और चांदी के आभूषणों को धारण करें। साधु और पंडितों को वस्त्र दान करें। कुष्ठ रोगों की सेवा करें। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी दें और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करें। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। तो आपने जितने ये उपाय सुने, नट साल में क्या चीज़ निकल के आती है? नट साल में ये निकल के आता है कि आपको अपने आचार और विचार को अच्छा रखना है। जब भी यथासंभव हो सके अपनी इनकम का 10% आप चैरिटी में दान करें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठंड का टाइम है, उनको कंबल दान दें, कपड़े दान दें। जो चीज़ आप स्वयं नहीं खा सकते बट वो चीज़ अगर ख़राब है तो ये मन में विचार रखते हुए कि ख़राब चली जाएगी इसलिए मैं किसी और को दे दूँ, वो आपको नहीं करना है। आपको अपने आचारों और विचारों में चेंज लेके आना है। यदि इस तरीके से आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल और गॉड फियरिंग बना लेते हैं तो आने वाला सप्ताह, बाकी अगर आप उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए एक शुभकारी और कल्याणकारी सप्ताह साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाला सप्ताह, आने वाला समय आपके लिए अनुकूल रहे, नया साल आपके लिए शुभकारी रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।